लेकिन रात को हम 12 बजे रात को फोन करते थे जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी रात को 12 बजे चड्डी बनियान में हमारे दरवाजे में खड़ा हो जाते थे, और मोमिन रिजवी का पता पता नहीं रहता। नहीं, अकलियतों की बात जहाँ तक बात है, मुसलमानों की बात है, वो ओवैसी साहब अपना हक और हुकूक की बात उठाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पार्टी के बल पर ये मोमिन रिजवी साहब का कोई मतलब ये नहीं है। वो मतलब चुनाव के समय सिर्फ आते हैं। और विकास के नाम चार चंद्रप्रसाद चौधरी 4 साल इसको संसद जीते हुए हैं, 1-5 लाख का एक मकान नहीं बना पाया, न चबूतरा बना पाया। आज जनता किस भाव से इसको वोट दे करेगा? भाव अभी मैं तो बाहर से बाहर पढ़ रांची में पढ़ाई करता हूँ, अभी जस्ट आ रहा हूँ रांची से, तो उतना कुछ क्या लग रहा है कि इस बार हम तो बेबी देवी को सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है? माहौल गर्मा गर्म माहौल है। इस बार तो बेबी देवी ही जीतेगी, क्या कि जगन्नाथ महतो के जितना उन्होंने कार्य किया अपने कार्यकाल में, तो शायद डुमरी किया पूरा झारखंड में। दोनों कैंडिडेट जो खड़ा है वो तो खैर जो भी है ठीक तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है देना है। हमारे झारखंड में 2 ठो उपचुनाव हुआ है, वहाँ के जनता उनको मौका दिया। उनको नहीं, 5 हो गया। नहीं, हमारे अगल बगल में 2 है, एक यहाँ पर बेरमो में हुआ, उनको बेटा वहाँ के जनता चुन के जिताया, या मधुपुर में भी जिताया, तो हम लोग भी एक बार मौका देंगे उनको। ओवैसी जी के पार्टी के जो रिजवी साहब हैं बोल रहे हैं सब मुसलमान तो मेरे साथ हैं। उनको अगला बार उनको मिल गया था, दूसरा लहर था, इस बार मोमिन जी के कोई वोट देने वाला नहीं है। वो कितनों भका दे, कितनों 24,000 भी नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं, 24,000 10,000 वोट नहीं आएगा तो उनको। माहौल अभी मैं तो बाहर से बाहर पढ़ रांची में पढ़ाई करता हूँ, अभी जस्ट आ रहा हूँ रांची से, तो उतना कुछ लग रहा है कि इस बार हम तो बेबी देवी को सपोर्ट करते हैं। क्यों? कारण? कारण ये है कि पहले जो जगन्नाथ महतो थे उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन वो जो काम करते थे और उनका जो स्टाइल था काम करने का, और जो अपना बीमारी में भी काम करते रहे, बस वही कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। काम कुछ हुआ इधर? हाँ, मुझे तो इधर डेवलप लगता है। क्या क्या? उतना मैं यहाँ रहा हूँ नहीं। हाँ, अभी का दुकान है। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आप तो चूंकि चौक पर हैं तो कई लोगों से मिलते होंगे। क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा है माहौल, ठीक है। हाँ, हाँ, भीड़ हो रहा है, बिक्री बढ़ी है। आप भी यही कहें भैया? नहीं भैया, हूँ यहाँ। आप यही कहें दीदी? तो देखिए, ये लगातार जो है नवाडी चौक पर कई दुकानें हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। यही दुकान है आपका? जी, मिठाई दुकान, ये किराना वाला दुकान, ये दुकान। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है? माहौल गर्मा गर्म माहौल है। गर्म हो गया। बारिश में भी गर्म? हाँ, पूरा गर्म। भीड़ के देखते हो तो लग ही रहा है कि गर्म है। क्या लग रहा है कि जगन्नाथ जी थे तो बहुत नाम था उनका, मंत्री भी रहे, कई लोग बोल रहा है बहुत काम किए, कुछ लोग बोल रहा है बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबका अपना अपना विचार। आपका विचार क्या है? ना ठीक है, काम ठीक है। हाँ, ठीक। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। क्या खुर्शीद जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बेबी देवी ही जीतेगी, क्या कि जगन्नाथ महतो के जितना उन्होंने कार्य किया अपने कार्यकाल में, तो शायद डुमरी किया पूरा झारखंड में। हाँ, पूरा झारखंड में उतना मतलब कोई काम नहीं किया वो, इतना उन्होंने काम, इतना काम हो गया, कोई काम बाकी नहीं है। अभी गए थे तो वहाँ लोग बोल रहा है कि हम लोग अपने से सड़क बनाए, बोलते रह गए। नहीं नहीं, विरोधी लोग भले विरोधी लोग कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता ये हकीकत है, निरपेक्ष मतलब कोई, मैं पार्टी वूटी नहीं करता हूं, लेकिन एक मतलब आम ग्रामीण के नाते मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने जितना कार्य किया इनको बरसों तक याद रखा जाएगा, और उन्हीं के काम के बदौलत बेबी देवी भारी बहुमत से जीतेगी। ओवैसी जी के पार्टी के उम्मीदवार मोमिन रिजवी साहब हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे। नहीं, अकलियतों की बात जहाँ तक बात है, मुसलमानों की बात है, वो ओवैसी साहब अपना हक और हुकूक की बात उठाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पार्टी के बल पर ये मोमिन रिजवी साहब का कोई मतलब ये नहीं है। वो मतलब चुनाव के समय सिर्फ आते हैं, और मतलब और उसका मतलब कोई, या इस बार अकलियत पूरा मन बना लिया है कि बेबी महतो को ही पूरा। नाम क्या है भैया? मेरा नाम समीर खान है, मैं सहरिया से रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है
सचमुच में त्रिकोणीय मुकाबला है। बोले ना वो हकीकत बोले हैं, जगन्नाथ जी जो है ना बहुत काम किए हैं और उनको जिताना बहुत हम लोग के लिए भाग्य है। बेबी देवी को जिताना बहुत भाग है और बेबी देवी इस बार लाख से पार होगी, 1 लाख वोट से पार होगी। पल्ला से जाएगा कि माइनस नहीं होगा, 1 लाख से बेबी देवी हर हाल में जीतेगी डुमरी विधानसभा से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि करीब 80,000 के आसपास मुस्लिमों का वोट है, तो ये AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि पिछला बार 24 लाए थे, इस बार तो हम ही जीत रहे हैं। वो बात ठीक है आपका कहना, मैं मानता हूँ, लेकिन रात को हम 12 बजे रात को फ़ोन करते थे जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी रात को 12 बजे चड्डी बनियान में हमारे दरवाजे में खड़ा हो जाते थे और मोमिन रिजवी का पता पता नहीं रहता था। मोमिन रिजवी भी 24,000 वोट से जीते हैं, हम सारे लाए हैं हाँ, लेकिन आज तक उसका चुनाव के दरमियान में दर्शन होता है। मोमिन रिजवी को चुनाव के दरमियान में ही दर्शन होता है। यशोदा जी तो उसका तो कोई बात ही मत कीजिए, डुमरी विधानसभा से उसका कुछ नहीं है। यशोदा जी का डुमरी विधानसभा से कुछ नहीं है। जगन्नाथ महतो जो करके गए हैं ना, वो जिंदगी भर हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख ईसाई याद करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बेबी जीती बेबी देवी। हाँ बेबी देवी के साथ। क्यों? कारण? कारण है कि बेबी देवी यहाँ के जगन्नाथ महतो थे ना, वो पूरा विकास किए हुए हैं। ये डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग का अथी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, आई टी आई खोजा है और कॉलेज देवी कॉलेज खोला है, यानी विकास के चारों तरफ गंगा यानी कि जगन्नाथ महतो ही बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए उन लोग को खाली देखावा के रूप में है और विकास के नाम चार चंद्र प्रसाद चौधरी 4 साल इसको संसद जीते हुए हैं, 1-5 लाख का एक मकान नहीं बना पाया, न चबूतरा बना पाया। आज जनता किस भाष इसको वोट करेगा? ज़्यादा नाराजगी आपकी है कि चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद रहते यहाँ समय नहीं दे। समय दिए मगर विकास नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, विकास का जीरो रहा, इसलिए हम लोग इस बार देवी देवी देना है। क्या करते हैं आप? दवा दुकान मेरा है। तो देखिए कि सबकी अपनी अपनी राय है, यहीं के हैं कि बाहर के हैं आप? बाहर के हैं। यहाँ बेचते हैं? क्या लग रहा है, घूम रहे हैं आप? इसका झंडा ज़्यादा दिखा? झंडा ज़्यादा हमको तो चारों जन घूमते हैं तो पता ही नहीं चलता, सड़क देखते हैं बस। तो क्या ये है द फॉलो अप? क्या नाम है भैया आपका? उमेश प्रसाद। कपड़ा रेडीमेड का दुकान है? हाँ जी। कितने दिन से है ये? बहुत पहले से, 10 साल 15 साल। हाँ। बिक्री कैसा है? ठीक है? नहीं, थोड़ा डाउन हो गया कम। हाँ। सब चल जा रहा है, मॉल खरीदने चल जा रहा है। हाँ। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? देखिए माहौल तो दोनों तरफ से है, ऐसा बात नहीं कोई कम है, टक्कर है, टक्कर। हाँ, जगन्नाथ जी रहते तो टक्कर नहीं रहता, लेकिन अभी हो गया। हाँ, लेकिन देखिए दोनों कैंडिडेट जो खड़ा है वो तो खैर जो भी है ठीक तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है देना है कि, तो देखिए जो भी जगन्नाथ जी शिलान्यास किए हुए हैं, आदि ये नहीं जीतती है तो काम रुक जाएगा, इसलिए कि 1 साल की चुनाव है, इन्हीं को जिताने में फायदा है। अच्छा, आप भी सोच रहे हैं कि 1.5 साल बचा है, इन्हीं को जिता दिया जाए, आगे फिर विचार करेंगे। हाँ, लेकिन कई लोग ये भी सोच रहा है कि इनके जीतने हारने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सरकार में, तो इसीलिए बात है सरकार में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मेरा काम तो है, जो भी शिलान्यास हुआ है वो काम इनका रहते बन जाएगा। तो देखिए कि ये एक कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान चलाते हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी 1.5 साल का समय बचा है और इस समय में ये चाह रहे हैं कि फिर से इन्हें ही मौका दिया जाए। ये देखिए किराने की दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश प्रसाद। किराना दुकान चला? जी हाँ। कितना दिन से है दुकान? तो मेरा 40 साल से है। कस्टमर लग रहा है कम है आज? थोड़ा मौसम खराब है तो। जी जी। कैसा है चुनाव का माहौल? माहौल अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार? पूरा लग रहा है कि बेबी देवी जीतेगी। सीधा बोल रहे हैं नाम है आप? जी जी। क्यों ऐसा? नहीं, उनको एक बार मौका फिर मिलना चाहिए। हमारे झारखंड में 2 उपचुनाव हुआ है, वहाँ के जनता उनको मौका दिया। उनको नहीं, 5 हो गया?
नहीं, हमारे अगल बगल में दो है, एक यहाँ पर बेरमो में हुआ, उनको बेटा वहाँ के जनता चुन के जिताया, या मधुपुर में भी जिताया, तो हम लोग भी एक बार मौका देंगे उनको। आप इस हिसाब से? जी हाँ, जब वहाँ के जनता उनको जिता देती है, हम लोग नहीं जिताएंगे तो हम लोग का दुर्भाग्य है, इसलिए हम लोग मौका देंगे एक बार। जी जी, यशोदा जी के बारे में सोच रही? नहीं जी नहीं, कारण हम लोग एक बार मौका देंगे उनको जी, आगे फिर सोचिए जी, 2024 में फिर सोचेंगे हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अफजल। क्या अफजल जी, क्या एकदम बेबी देवी की इस बार हर हाल में जिताना है, एकदम तन मन धन देख करके उनको, उसके बाद 24 में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ओवैसी जी के पार्टी के जो रिजवी साहब हैं, बोल रहे हैं सब मुसलमान तो मेरे साथ है। उनको अगला बार उनको मिल गया था, दूसरा लहर था, इस बार मोबिन जी के कोई वोट देने वाला नहीं है, वो कितनों भका दे, कितनों 24,000 भी नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं, 24,000 10,000 वोट नहीं आएगा, तो उनको 10,000 वोट रिजवी जी के आने वाला नहीं है। कारण? उसको कोई मुस्लिम वोट देवे नहीं करेगा, सब इनको देगा, बेबी देवी को देगा, इनको जिताएगा। 80,000 मुस्लिम में 70,000 तो हमको दीजिए। नहीं मिलेगा उनको, कोई बात में बलगा करे फुसला करके उनको वोट देने वाला नहीं है जी। जितना है जो भी है एकदम बेबी देवी को देंगे, और हर हाल में इसको जिताना है। यशोदा जी में क्या दिक्कत है? अभी बोले ना अंकल जी, इनको एक बार मौका दिया जाएगा, आगे फिर सोचेंगे, किसी को खराब भी नहीं बोल जी, आगे देखे जाएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in